चलो बेटा खत्म करते हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट या डिफरेंट टाइप के उसके क्वेश्चन है और वो होमवर्क में आएंगे. क्वेश्चन 5, मार्केट इज इंपॉर्टेंट. द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2. मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है. कितनी ऑब्जर्वेशन का बेटा? 20 का. कितना है? 10 and 2. ऑन री चेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट. री चेकिंग पर पता लगा एक ऑब्जर्वेशन क्या है? इनकरेक्ट है. कैलकुलेट द करेक्ट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी बात बाद में करेंगे. चलो क्या निकालते हैं मेरे बच्चा? इनकरेक्ट, याद है? चलो इनकरेक्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या होगी सर? x1 x2 से लेकर कहां तक? x19 तक, बिल्कुल. और एक ऑब्जर्वेशन 8, एन ऑब्जर्वेशन 8, 8 एक अब आने वाला एक नंबर है सीरीज में, 8 नंबर नहीं कह रहा, ठीक है? 8 एक नंबर है जो गलत था, राइट? तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं. सर मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल, सिग्मा एक्स भी बोलते हैं, सिग्मा एक्स बाय एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी x1 प्लस x2 से लेकर कहां तक? x+8 अपॉन में कितना? 20. किसके इक्वल हो जाएगा सर? इधर भेज दो. और ये 8 इधर रखे माइनस, तो x1 से x19 तक का सम कितना आया? x1 से x19 तक का सम हो गया मेरा 192. बोले ना तो क्लियर. लेट इट बी फर्स्ट. इसी तरफ क्या निकालो? क्या निकालेंगे इसके? थोड़ा लाउड. करेक्ट नहीं, पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो है. अब स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है 2, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा? 4, राइट? वेरिएंस करो, x2 / n माइनस x̅ का होल स्क्वायर, 4 सिग्मा स्क्वायर यानी इन सब का स्क्वायर. x19 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन n, n कितना है? 20 माइनस x̅ कितना है? 10. इनकरेक्ट वाला है ना, इधर करो, ये हो जाएगा 104. x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x19 स्क्वायर प्लस 64 अपॉन 20. बेटा x1 से x2 की वैल्यू, ये पहले 20 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 2080. 2080 में से 64 गए तो 2016, यानी मेरी x1 स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं ना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x19 स्क्वायर कितना है? 2016. बोलो यहां तक क्लियर, यस और नो? चले अब आगे. ओके, ये आ गई सेकंड वैल्यू. अब बात करेंगे करेक्ट की. अब यहां आएगा करेक्ट, अभी इनकरेक्ट था. अब जरा इसे ध्यान से पढ़िए बेटा, क्या लिखा हुआ है? इफ रॉन्ग आइटम इज ऑमिटेड, मतलब गलत वाली को हटा दो, यानी अब ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगी? अब ऑब्जर्वेशंस क्या होगी? x1 से लेकर कहां तक बेटा? इधर फोकस करना, x19 तक, क्योंकि अब तो गलत हटाना है, 18 नहीं है, तो सारा खेल इसी पे चलना है मेरा. अब तो और आसान हो गया, मीन निकालो, x1 प्लस x2 x19 बाय कितना? 19. बेटा एक बार तो जब एक हटा दी तो बची 19. अब x1 से x19 तक का सम 192. 192 को बेटा 19 से डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है. कितना आंसर आ रहा है? हाँ, 10.1. 1 है, 0 1 है,
10.1 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। अब इसका वेरिएंस भी निकाल लो, पीछे कर दिया, क्या हुआ 102 पर 0.01 कैसे हो रहा है? क्या हुआ, गलती कहाँ करी है? कॉर्पस क्वेरी कर रहा था ना अभी, करेक्ट इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आइए अब एक्स, अब आते सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर एक्स 19 के स्क्वायर अपॉन में 19, एक्स बार कितना है 10.1 का स्क्वायर। सर वैल्यू डालो सॉल्व करो तो कोई मुश्किल नहीं है, कितनी वैल्यू निकाली थी 2016 2016 अपॉन में 19 माइनस 10.1 का होल स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन पार्ट में नहीं कर रहा, वो आप खुद खुद कर सकते हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, मैं डायरेक्ट भी नहीं बता रहा। सुनो एक काम और करना, इजी करने के लिए 10.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 192 बाय 19, इससे कैलकुलेशन आसान रहेगी, डू इट योरसेल्फ, बताओ बेटा क्लियर या मुश्किल? अच्छा सेकंड पार्ट जो है अब आपका नॉर्मल है, सेकंड पार्ट में कुछ क्या करना है, अगर 12 को किस 8 को किससे 12 से, आपका बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया। नोट देखो बच्चों, एक चीज और मैं कह रहा हूं, मैंने ये सारे क्वेश्चन नहीं कराए इस चैप्टर में, पर सारे कॉन्सेप्ट करा दी, सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए कि वो आप खुद ब खुद कर सकते हो और सिमिलर टाइप के, क्योंकि थोड़े लेंदी भी है। अच्छा अब एक जो पॉइंट आपको जानना है, एक वन मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें, और एक चीज और, एक एग्जाम्पल नंबर 18 है जो मैंने स्किप करा दिया, जो कि पेपर में नहीं आता इसलिए, हाँ बट उसके ऊपर वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। वन मार्क का क्वेश्चन क्या है आओ जानते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन या इफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा आर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज समझते हो ना, इंक्रीज यानी बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट या बाय अ नंबर, देन वेरिएंस रिमेन, देन वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज। एग्जांपल 18 इसी की डेरिवेशन है, एक्चुअली वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनचेंज। इस बात को जानो, मान लो मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ एग्जांपल देते हैं, मेरे पास जो डेटा है लेट से वो है x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 से लेकर x10 तक है, राइट। मैं मान लो सब में 2 ऐड कर दूं, x1 प्लस 2 x2 प्लस 2, और मैं पहले कहता हूँ इसका पुराना जो वेरिएंस था वो लेट से था 4 या स्टैंडर्ड डेविएशन 4 था, वेरिएंस हम कर लेते हैं 16, राइट। अब मैं कहता हूँ नाउ 2 is added to each observation. 2 add कर दिया हमने हर जगह, यानी अब क्या हो गया x1 plus 2, x2 plus 2, x10 plus 2, right? अब नया वेरियंस कितना होगा सर? अभी भी नया स्टैंडर्ड डेविएशन 4 एंड वेरियंस, बस ये पॉइंट था, वन मार्क का क्वेश्चन आया था, क्लियर है? होमवर्क, फुल मिसलेनियस विद एग्जांपल्स। अब ओल्ड बुक्स वाले क्वेश्चन 1, 2, 5 and 7 करेंगे, न्यू बुक्स वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6। एंजॉय योर डे, बाय बाय।